الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سامعين محترم اس وقت جو كل حالات ہیں कोरोना की महामारी हो या तूफानी बारिशें हो या और रसवाई की शक्ल में इस वक्त जो खतरात मंडला रहे हैं या महंगाई की मार हो या जीएसटी का बार हो जो भी कुछ हालात है इन हालात के भंवर से मैं और आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं अल्लाह के आजामा से मैं और आपने आप को कैसे बचा सकते हैं बे तोफी आपके सामने कुछ बातें पेश करने की कोशिश कर रहा हूं दुआ कीजिए अल्लाह मुझे हक कहने वाला आपको हक सुनने वाला अल्लाह मुझे और आपको सुने अमल की तोफीक नसीब फरमाए अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद पारा नंबर नौ सूर्य अनफाल अनफाल के तीसरे रुकू में अल्लाह ताला का फरमान है व मकान वह कौम को अजाब नहीं देगा जिस कौम में प्यारे नबी आप मौजूद हैं जामे तिरमिजी की हदीस है नबी अक्रम जनाब मोहम्मद रसूल सल्लासम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी कौम के लिए या उम्मत के लिए दो अमन के सराये मेरा अपना वजूद और दूसरा उनका अपना अमल अब एक ऑप्शन तो हमेशा हमेश के लिए ख़त्म हो गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़ातम नबीन वला नबी अबादी मैं नबूत पे मोहर लगाने वाला हूँ मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है एक ऑप्शन तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है लेकिन एक ऑप्शन अल्लाह के अजाबाद से बचने के लिए जो रब ने बयान किया है जो मेरे और आपके प्यारे नबी सरा साहब ने बयान किया वो आज भी मौजूद है और कियामत तक मौजूद रहेगा वो है वो मैं कहूबू इस तकफिर अल्लाह उस कौम को अजाब नहीं देगा जो कौम इस्तफार करेगी मेरा आप सोचते हैं ना कि भाई इस्तफार क्यों करूं मैंने कौन सा गुना किया मैं तो नमाजी हूं मैं तो दीनदार हूँ मैं तो तौहद परस्त हूँ मैं तो हलाल को अपनाता हूँ मैं हराम से बचता हूँ हमने कोई गुनाह नहीं किया मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद वसल्लम की कभी कोई नमाज मिस नहीं हुई मैं और आप पाँच टाइम की नमाज भी सही तौर पर नहीं पढ़ते लेकिन मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर की तहज्जुद की नमाज़ तक कभी नहीं छूटी मेरा के तो रमज़ान के कभी कभी रोजे रमजान के रोजे रख लेते हैं लेकिन मेरे और आपके प्यारे पैगंबर तो रमजान के अलावा सिते शवाल के भी रोजे रखते थे मेरे और आपके प्यारे पैगंबर पैगम्बर में बीस के भी रोजे रखते थे मेरे और आपके प्यारे पैगंबर पीर और जमीरात को भी रोजे रखते थे मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर जनाब महम्मद रसोल्ला वम ने कभी झूठ नहीं बोला कभी किसी को गाली नहीं दिया कभी किसी के ताल्लुक से बुरा न सोचा है न किया है न आप सह वसल्लम ने कभी बुराई का बदला बुराई से दिया है ज़ालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा यह मेरे और आपके प्यारे पैगंबर की शान करीमी थी लेकिन सही मुस्लिम शरीफ की हदीस बताती है सैदुल महदसिन हजरत हदीस के रावी हैं नबी अक्रम वसल्लम ने फरमा वह लोगो अल्लाह की कसम रोजाना मैं सत्तर से जायद दफे अपने रब से बख्शिश तलब करता हूं रब की तरफ रुझू होता हूं मैं और आप दिन में पांच टाइम भी अगर सच्चे दिल से माफी मांग लें या सुबह और शाम में फजर के बाद और मगरिब के बाद भी अगर सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग ले शायद मेरा और आपका रब मुझ पर मेहरबान हो जाए मेरे मोहतरम साम मोहतरम सोचो आज मोबाइल की दुनिया ने अच्छे अच्छों को किस पोजिशन में पहुंचा दिया आज मोबाइल को अगर झूठ की मिनी फैक्ट्री कहा जाए तो शायद छूट नहीं है इसलिए कि अच्छे अच्छे भी आ, इतने आदि हो गए कहां हैं मोहतरम यहीं कहां हैं यहीं जबकि वहां नहीं रहते अभी आया आते ही नहीं लाहौ अकबर सोचो ऐसे हालात में मैं और आप एक दो चार किलोमीटर का सफर भी बगैर आंखों की जिना के नहीं कर सकते बगैर कानों की जिना के सफर नहीं कर सकते आंखों का जिन आम कानों का जिन आम मुझे और आपको कितना अलर्ट रहना है और कितना रब से इस्तफार करना है मेरे और आपके प्यारे पैगंबर कहते हैं वाह विन्रा मैं रोजाना सत्तर से जायद दफ़े अपने रब से बख्शिश तलब करता हूँ और अपने रब की तरफ रुजू होता हूँ मेरे और आपके प्यारे पैगंबर ने मुझे और आपको एक वजीफा सिखाया है मैं और आप नमाज पढ़ते हैं ना असलम रहा असलम रला मेरा आपने नमाज पढ़ाना गाली तो नहीं दिया चोरी तो नहीं किया झूठ तो नहीं बोला कोई और गुनाह का काम तो नहीं किया नमाज़ी ने पढ़ा है लेकिन सोचिए एक नमाजी नमाज पढ़ करके अल्लाह के नबी वसल्लम के फरमान के मुताबिक क्या कहता है असल रहा अस्तबरल अस्तबरल्ला अस्तिरल्ला अल्लाह तो माफ कर अल्लाह तू माफ कर अल्लाह तो माफ कर क्यों मैं नमाज पढ़ा है लेकिन हो सकता है तेरे शायन शान ना पढ़ा हो हो सकता है तेरे अहकाम की पासदारी ना की हो एक नमाजी नमाज पढ़ करके माफी मांग रहा है तो उन बे नमाजियों को बेदीनों को कितना अफसोस होना चाहिए अच्छा मैं और आप रात में सोते हैं ना सुबह उठते हैं क्या सोना जुर्म है अल्लाह ने कहा वो जाल सुबह था हमने रात की नींद को तुम्हारे आराम का जरिया बनाया है सोना इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है ना लेकिन सुबह उठते ही मोमिनों का शेवा क्या है अल्लाह ने क्या कहा है वो बिल असहारी हम ये सुबह उठते हैं इनकी सुबह होती है इस्तिगफार से अल्लाह माफ कर 6 घंटे सात घंटे आठ घंटे सोया रहा मैं तेरा जिक्र नहीं कर सका मैं तुझे याद नहीं कर सका अल्लाह तू माफ कर अल्लाह तू माफ कर अल्लाह क्या सोना जुर्म है लेकिन एक मोमिन को अदब बताया गया है सोचिए मेरे मोहतरम इस्तगफार क्या फवाद हैं एक फायदा बताता हूं नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी एक अदा को अपना लेता है इस्तफार को लाजिम बना लेता है एक काम मुझे और आपको करना है तीन फायदे रब की तरफ से मिलेंगे पहला फायदा मिन जय हम मिन फरजा अल्लाह ताला टेंशन फ्री लाइफ उसको अता करते हैं गम से नजात दे देते हैं वो मिनकुल्ले जैकिन मखरजा किसी तंगी में किसी मुसीबत में किसी क्राउड में किसी हादसे में फंसे हुए थे किसी तंगी का शिकार थे अल्लाह निकलने के असबाब बना देते हैं वो रो मतुल्ला उन जराइयों से रिस्क देते हैं जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता रिस्क की जमानत मुश्किलों से निकलने के आसानी का रास्ता टेंशन फ्री लाइफ देर कैसी फिर भाई इसी वक्त तहिया कीजिए चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह, अस्तफरल अस्तफरल रबकुलज़म बिल अस्तफरल अल्लाक व बात बोली आप इन और वज़ाइफ को लाजिम बना लीजिए सुकून की ज़िंदगी गुजारिए अल्लाह मुझे और आपकन अमल की तौफीक नसीब फ़रमाए मेरे और आपके जायज़ मुरादों को पूरा फ़रमाए अलैना इन्नका तस्मिल रहीम برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته